पर देख ही रहे हैं, लोग कह रहे हैं गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ ही है। चुप नहीं, अंदर में ईवीएम मशीन खराब होने, ये तकनीकी लॉक नहीं था, इसलिए वहां पर कुछ देर के लिए स्थगित कर दिया गया था काउंटिंग। वीडियो देख लिया, वीडियो से साफ पता चल रहा है कि जो अंदर से निकल के आ रहे हैं जो कार्यकर्ता के जो टीम के थे, पवन सिंह जी के जो टीम के थे, वो सीधा बता रहे हैं कि भैया ईवीएम मशीन में कोई गड़बड़ी की गई है। तो आप क्या कहेंगे इस मामले पे, जो आज पवन सिंह इतना पीछे चल रहे हैं? इस तरीके का चीजें तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि मतलब ये अंदर का मामला है और सब कुछ ये चुनाव आयोग के ऊपर होता है। लेकिन बात किया जाए तो अभी जो है ये लड़ाई, सब लोग को लग रहा था कि त्रिकोण मिति होगा, लेकिन अभी उपेंद्र कुशवाहा और राजा राम के बीच लड़ाई था पहले। हाँ। लेकिन अब एक बड़ा गैप हो गया, क्योंकि अभी अगर लाइव अपडेट को लेकर हम लोग बात करें, हाँ, तो 142,000 वोट जो है लगभग अभी तक मतलब राजा राम सिंह कुशवाहा को मिला है। उसके बाद में 99,000 पे जो है उपेंद्र कुशवाहा है, और तीसरे नंबर पे पवन सिंह जो भोजपुरी के एक बड़े स्टार है, वो उनको अभी तक 91,780 मिला है, जब तक 8 मतलब अब तक राउंड हुआ है, और 8 राउंड में जो है ये आंकड़ा है। तो अभी तक देखा जाए तो पवन सिंह जो है राजा राम सिंह कुशवाहा से लगभग 50,000 वोट से पीछे है। तो देखना ये होगा कि आगे क्या कुछ होता है। हम लोग तो ईवीएम के ऊपर ये सारा चीजें सवाल नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि ये अंदर का मामला है, क्या कुछ हो रहा वही लोग चुनाव आयोग के लोग जानते होंगे। लेकिन देखिए अभी बहुत सारा अभी भी बाकी है, क्योंकि 23 टोटल जो है राउंडिंग होने वाला, तो 23 में भी 8 हुआ है और भी बाकी है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि बाकी जगह जहां बाकी है वहां पर पवन सिंह का काफी वोट है। तो देखना ये होगा कि जब बाकी राउंडिंग मतलब पूरा जो राउंड है वो खत्म होता है, उसके बाद समीकरण कितना बदलता है, क्या बाकी जहां बाकी है वहां हो सकता है कि पवन सिंह का वोट ज्यादा हो, बाद में पवन सिंह बढ़त बना ले, ये सब भी हो सकता है। तो जब तक पूरा मतलब राउंडिंग खत्म नहीं होता है तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, क्या उम्मीद लग, जो जनता की जो उम्मीदें हैं, जनता लगातार जो इतना वोट दिया पवन सिंह को, बहुत सारे चीज है लगातार, और पवन सिंह जी अचानक से इतना पीछा जा रहा है, बहुत सारे लोग का यहाँ निराश। सबसे बड़ी चीज ये है ना कि लोगों को एक उम्मीद था कि मतलब पवन सिंह को बीजेपी की तरफ से बिहार से कहीं से टिकट मिलेगा, आपको पता होगा आसनसोल से मिला था लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया, तो बिहार से वो चाह रहे थे। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि मोदी जी के नाम पे वोट दें एनडीए प्रत्याशी को। देखिए इससे पहले जब पवन सिंह यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहे थे तो लड़ाई दो ही लोग में था, उपेंद्र कुशवाहा और राजा राम सिंह कुशवाहा। लेकिन पवन सिंह के आने के बाद ये लड़ाई काफी दिलचस्प हो गया, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि यादव और अधिकतर मुस्लिम का जो वोट है ना वो राजा राम सिंह कुशवाहा को गया है, और पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा जो है ये आपस में कहीं ना कहीं वोट काट रहे हैं, ये चीजें देखा जा सकता है। तो देखना ये होगा कि आगे का जो जब ईवीएम खुलता है तो क्या कुछ रिजल्ट आता है, अभी हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन अगले आधा से एक घंटे में सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कौन जीत रहे हैं, क्योंकि आंकड़ा जो है लगातार बढ़ते जा रहा है। अब लगभग पवन सिंह और राजा राम सिंह कुशवाहा के बीच डिस्टेंस की बात किया जाए 50,000 वोट मतलब इतना कम नहीं होता है, ज्यादा होता है। देखना होगा कि पवन सिंह रिकवर कर पाते हैं कि नहीं, हालांकि उपेंद्र कुशवाहा 2 नंबर पे है, पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा जो है ज्यादा फर्क नहीं है, लगभग मुझे लगता है कि 7-8 हजार वोट से जो है दोनों आगे पीछे हैं। तो देखना ये होगा आगे क्या होता है। देखिए लोग पवन सिंह के चाहने वाले बहुत सारे लोग चाह रहे थे ये काराकाट में बदलाव हो, एक बार भोजपुरी के स्टार पवन सिंह को मौका दिया जाए ताकि वो बदलाव करें। तो देखिए आगे क्या कुछ होता है। यहाँ की जनता ने इतना प्यार दिया, फिर भी अभी जो वोटिंग की काउंटिंग की बारी आ रही है तो लगातार ऊपर नीचे हो रही है, और ऊपर नीचे में इतना ज्यादा डिफरेंस, जनता ने सोचा भी नहीं था कि पवन सिंह जी इतना ज्यादा डिफरेंस में चले जाएंगे। ये मेन बात है ना कि जो लोग बाहर काम करते हैं, सोशल मीडिया पे बात करते हैं, वो सब अलग होता है, लेकिन गांव में जो असली लोग होते हैं, जो कैमरे के सामने आते नहीं है, बूढ़े बुजुर्ग जो लोग हैं, वो किसको वोट देते हैं वोट देने से पहले 10 बार जरूर सोचते हैं। तो ये चीजें यहाँ पर मुझे लगता है कि देखने को मिल रहा है कि आपस में देख लिया, समझ लिया वीडियो को, और देखिए कमेंट कीजिए, आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या सही है क्या गलत है, बाकी आप लोग के हाथ में है, और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप देख रहे थे भोजपुरी नेशन।